हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजन। यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास वोल्टास का इन्वर्टर है और उसमें P4 एरर आ रहा है, तो उस एरर के बारे में मैं पूरा ट्रांसलेट करूंगा, आपको बताऊंगा क्यों आता है और इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक जल्द से जल्द पहुंची। और अगर आपको कुछ डिस्कस करना है मुझसे एरर के बारे में, या कुछ कूलिंग से रिलेटेड कुछ मुझसे बात करनी है, फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड अगर मुझसे कुछ बात करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम में मुझे भी बहुत आसानी हो जाएगी, आप कुछ भी प्रॉब्लम की पिक भी मुझे भेज सकते हैं कि इस मशीन में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत ही आसानी हो जाएगी, तो मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे वोल्टास इन्वर्टर एसी में अगर P4 एरर आ रहा है, तो वो एरर गाइस आपका है आउटडोर यूनिट में। आप देखना गाइस ढक्कन खोल के कि उसमें जो पावर सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, काफी हैवी पावर सर्किट बोर्ड रहता है वो क्या होता है दरअसल कि हमारा जो इंडोर यूनिट से एसी करंट जाता है आउटडोर यूनिट में, एसी करंट को वो कन्वर्ट करके डीसी करंट बनाता है। डीसी करंट से ही हमारा कंप्रेसर चलता है, और जो डीसी करंट जो बनता है गाइस, तो ये P4 जो P4 एरर है गाइस, वो हाई या लो वोल्टेज आपका डीसी करंट दे रहा है आपका पावर सर्किट बोर्ड, तो इसमें आप कुछ कर तो सकते नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेबलाइजर आपके यहाँ लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी अगर ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है आपका पावर सर्किट बोर्ड हाई या लो वोल्टेज दे रहा है, तो आपको पावर सर्किट बोर्ड चेंज करना पड़ेगा गाइस। पावर सर्किट बोर्ड चेंज करने के बाद ये एरर बिल्कुल पूरी तरह से हट जाएगा। पावर सर्किट चेंज करने से पहले आप एक बार स्टेबलाइजर लगा के भी देख सकते हैं, हो सकता है कि स्टेबलाइजर भी कंट्रोल कर ले आपका जो एसी करंट है, और एसी करंट अगर कम जाएगा या प्रॉपर जाएगा एसी करंट, तो हो सकता है कि आपका पीसीबी पावर सर्किट बोर्ड उस वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर दे और नॉर्मल करंट कंप्रेसर को दे। क्यों होता है कि हाई या लो वोल्टेज देने की वजह से हमारा कंप्रेसर ठीक से रनिंग नहीं कर पाता है, और हमारा पावर सर्किट बोर्ड आपको डिस्प्ले में शो कर देता है P4 एरर। तो ऑप्शन यही है आपका कि आपको पावर सर्किट बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। उम्मीद है गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देंगे।